गाइस, इस इंट्रो में कुछ मजा नहीं आया। चलो अपना वाला लगाते हैं। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि आज का टाइटल ब्लैक होल के बारे में है, तो मैं आपको इतने अच्छे फैक्ट्स बताऊंगी कि आप भी बोल पड़ेंगे। गाइस, इतने बड़े यूनिवर्स में हमारा प्लैनेट अर्थ एक एटम के बराबर है। बट ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी कि अर्थ पे एक्सप्लोर करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी धरती है ये, एटलीस्ट हम सब के लिए। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हैं, इतने सारे फैक्ट्स देख चुके हैं। बट गाइस, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जिसमें ये जो अर्थ है बहुत ही छोटी है। चलिए देखते हैं 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्लैक होल। वेल, जहाँ तक की बात की जाए ब्लैक होल की, ब्लैक होल का सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि वो अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है बहुत ही हाई अमाउंट में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेफर्ड फ्रॉम ग्रेविटी। जब भी हमारी कोई चीज़ गिर जाती है तो वो नीचे की तरफ गिरती है, मतलब ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो चीज़ नीचे आ रही है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, क्योंकि ब्लैक होल जो है वो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सारी ग्रेविटेशनल पावर अपने अंदर ले लेता है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा ये यूनिवर्स इतना बड़ा है तो जाहिर है कि एक ब्लैक होल नहीं होता। आज तक जो सबसे ज़्यादा फार पाया गया है वो है 27,000 माइल्स अवे धरती से, और जो ब्लैक होल आज तक सबसे ज़्यादा नियरेस्ट पाया गया है अर्थ से वो है V616 मोनोक्रोइएट्स। ये ब्लैक होल जो है वो धरती से 3,000 लाइट ईयर्स अहेड है। मेरा थर्ड फैक्ट है ब्लैक होल के बारे में, वो ये है कि ब्लैक होल में जाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते। बट ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर जो टाइम होता है वो काफ़ी स्लो होता है, तो इन केस अगर कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ट्रैवल करता है तो वो बाहर से स्लो टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकता है, वेयर एज़ जो ब्लैक होल के बाहर होता है वो एज नॉर्मल टाइम पर ही चल रहा होता है। वेल गाइज, लेट्स कम टू नंबर 4। मेरा फैक्ट नंबर 4 काफ़ी कुछ रिलेटेड है फैक्ट नंबर 1 से। जो इनके बीच में इंटरलिंक है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको फैक्ट नंबर 1 में बताया कि ब्लैक होल अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेता है, वैसे ही वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लेता बट वो अपनी तरफ लाइट भी ले लेता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, 299792 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से वो ट्रैवल करती है। वेल, कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलूँगी कि जो जो चीज़ें हम स्पेस में नहीं देख सकते वो सारी जो है ब्लैक होल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो सारा ब्लैक होल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि ग्रेविटी नहीं मिलती हमें, लाइट नहीं मिलती, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होते, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लैक होल अपने अंदर ले लेता है। जहाँ तक मुझे लगता है फिर ब्लैक होल के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। गाइस, तो अब चलते हैं हम फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5 ये कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लैक होल कहाँ है, क्योंकि वो तो दिखता नहीं। ऐसे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ऐसे नहीं पता चलता कि यहाँ पर ब्लैक होल है। साइंटिस्ट को पता चलता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ चीज़ें पुल करते हुए देखते हैं, तो जाहिर है कि ब्लैक होल ही वो सारी चीज़ें पुल कर रहा है। इसलिए साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि उस जगह पे ब्लैक होल प्रेजेंट है। वेल गाइज, इतने छोटे से फैक्ट नंबर 5 के बाद मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली होंगी अबाउट ब्लैक होल जो शायद आपको पहले ना पता हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें टॉपिक तो पता होता है बट उसके बारे में नहीं पता होता है। नेचर में कई चीज़ें हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।